पश्चिम बंगाल के सभी छात्रों को बांग्ला पढ़ना ही होगा, लेकिन प्रथम भाषा के रूप में नहीं, बल्कि छात्र अपनी पसंद की पहली भाषा चुन सकते हैं। राज्य के शिक्षा मंत्री ब्रात्य बसु ने इस विषय को स्पष्ट किया है। राज्य कैबिनेट की बैठक में राज्य शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी गई है। सरकार ने उस ड्राफ्ट में बांग्ला को ज्यादा महत्व दिया है। पश्चिम बंगाल के सभी छात्रों को बांग्ला पढ़ना ही होगा, लेकिन प्रथम भाषा के रूप में नहीं, बल्कि छात्र अपनी पसंद की पहली भाषा चुन सकते हैं। राज्य के शिक्षा मंत्री ब्रात्य बसु ने मंगलवार को ये स्पष्ट किया। उन्होंने कहा, कोलकाता में कोई भी छात्र चाहे तो बांग्ला को अपनी पहली भाषा के रूप में ले सकता है। दार्जिलिंग में कोई भी नेपाली को पहली भाषा के रूप में ले सकता है। सोमवार को राज्य कैबिनेट की बैठक में राज्य शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी गई। सरकार ने उस ड्राफ्ट में बांग्ला भाषा को ज्यादा महत्व दिया है। शिक्षा नीति के अनुसार छात्रों को बांग्ला और अंग्रेजी का अध्ययन करना होगा। इसके बाद ये सवाल खड़ा हो गया कि क्या इस राज्य में बांग्ला को पहली भाषा के तौर पर लिया जाना चाहिए। राज्य के शिक्षा मंत्री ब्रात्य बसु ने उन अटकलों पर विराम लगा दिया। शिक्षा मंत्री ब्रात्य बसु ने कहा, जो कोई भी पहली भाषा सीखना चाहता है वो ऐसा कर सकता है। अगर कोई कोलकाता में बांग्ला को अपनी पहली भाषा के रूप में लेना चाहता है तो वो ले सकता है। यदि कोई दार्जिलिंग में पहली भाषा नेपाली लेना चाहे तो ले सकता है। अगर कोई उर्दू, आलचिकी या राजवंशी को पहली भाषा बनाना चाहे तो वो भी बना सकता है। जहाँ तक कि दूसरी या तीसरी भाषा की बात है, तो ये स्थानीय आबादी के पैटर्न पर निर्भर करेगा कि वे कौन सी भाषा लेंगे। राज्य के निजी स्कूलों को विनियमित करने के लिए एक आयोग गठित करने की योजना बनाई थी, ताकि वे मनमानी फीस न वसूल सके। इस संबंध में एक विधेयक पर सोमवार को कैबिनेट ने मंजूरी की मुहर लगा दी। क्या राज्य सरकार नए बिल के जरिए निजी स्कूलों पर नियंत्रण करना चाहती है? मंगलवार को राज्य के शिक्षा मंत्री ने कहा, ऐसा नहीं है कि सरकार निजी स्कूलों पर नियंत्रण रखेगी, बल्कि काफी समय पहले से ही निजी स्कूलों को लेकर ज्यादा शिकायतें थी। मुख्यमंत्री को भी कई शिकायतें मिली हैं। शारीरिक दंड की अधिकता या शुल्क वृद्धि की मनमानी को लेकर शिकायतें मिली हैं। ये सभी नामी प्राइवेट स्कूल अचानक से नहीं बनते। हर जगह कई अंग्रेजी माध्यम के निजी स्कूल खुल गए हैं, जो मनमानी कर रहे हैं। उन्हें बिल्कुल भी दबाना नहीं चाहते, बल्कि इसे नियंत्रित करना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। আর ভাড়া বাড়ি নয়, এবার আপনার নিজের স্বপ্নের বাড়ি গড়ে তুলুন। আপনার স্বপ্ন পূরণের সঙ্গে ও দূষণ মুক্ত খোলামেলা পরিবেশের নতুন ঠিকানা আনন্দ নিকেতন, কুমার বাজার, বক্তনগর রোড, রানীগঞ্জ। এখানে রয়েছে 2 এবং 3 BHK অ্যাপার্টমেন্ট। মাত্র 1 কিলোমিটার দূরত্বে পেয়ে যাবেন মার্কেট, স্টেশন, ব্যাংক, স্কুল ও হসপিটালের সুবিধা। সন্নিকটে জাতীয় সড়ক বাঁকুড়া মেদিনীপুর হাইওয়ে। মাত্র 1 লক্ষ টাকায় বুকিং করুন আপনার স্বপ্নের বাড়ি। থাকছে ব্যাংকিং লোনের সুবিধাও। তাহলে দেরি না করে আজই যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 0334190333086178777259333107047।